आतंक मचाया। कुमरा गेट पर दो दुकानों के ताले टूटे और यहाँ बाहर चोरों ने सेल लगाकर लाखों रुपए की चोरी की। आइए ये आपका क्या नाम है? मेरा नाम मनोज कुमार जी। आपका भारत को भारत के मैं मालिक। अच्छा, कैसे क्या हुआ आज सर? ऐसा मेरे चौकीदार ने बताया 4,450 रुपये शटर तोड़ा गया है। अरे मेरे गले में कैश रखा, कैश निकाल के लेके। कितना कैश था? नियर अबाउट 2 लाख से ऊपर था जी। तो 2 लाख दुकान पे रखते हो आप? ना रखते नहीं जी, 1.5 लाख रहे। तो मेरे भाई साहब जी रोटी डीलर वो देखे गए थे, लगे थे रख ले, गलती से रात को कैश को दुकान में रह गया। अच्छा, तो सुबह आपने पुलिस को इन्फॉर्म किया? पुलिस को फोन किया, चेयरमैन साहब ने HHO फोन किया, उसके बाद एक बंदा आया नक्सल लगा के ले गया। क्या बंसल जी, आप बताएं आप क्या हादसा है? आप यहाँ सारे दुकानदार कैसे जी? ये हस्सी का मुख्य चौक है, पड़सी गेट, हस्सी का मुख्य चौक पड़सी गेट। और जहाँ PCR की ड्यूटी होनी चाहिए शायद है भी, लेकिन रात को किसी भी टाइम या एक भी पुलिस वाला नहीं बनता। दिन में 8-8 खड़े हो जाते हैं जो व्यापारियों के मोटरसाइकिल चेक करने के लिए। सिर्फ चोरों पे कोई भी नकेल नहीं है। ये जो जिला पुलिस प्रशासन बना, सिर्फ चलान काटो प्रशासन बन गया जी। ये ना तो कोई चोरी रोक पर है, इनका ध्यान। ये भारत किताब घर पे जो चोरी हुई है कितने की है बता रहे? ये 2 लाख रुपए की लगभग। 2 लाख? हाँ जी। तो 2 लाख रुपए कैश ये रखते हैं? 2 लाख रुपए कैश ऐसे रखते हैं जी। हमारे दोस्त के यहाँ शादी है। अच्छा। तो कल मेरे पास टेंट वाला का किसी का फोन आया था जी, जी, जी। तो मतलब एक बार ना 1.5 लाख रुपए आप नकल जमा करवा देना जी। हाँ जी ठीक है, हम 1.5 लाख रुपए आपको दे देंगे। तो मैंने दुकान से किसी से पैसे मंगवाए, मैं बर्तन बोला मगर एक बार ना 1.5 लाख रुपए तू रख लीजिए, कल आप चल के टेंट वाले को दिलाएंगे। चलो जैसा भी है, कभी ना चोरी हुई है। हाँ जी। अब क्या मांग है आप? हमारी मांग यही है, हमारी चोरी कर पकड़ के FIR लॉज करवा दी। हमारा जो सामान है, जो हमारे पैसे है, वो हमारी बरामदी करी जाए और जो आगे इस चोरियों पर नकेल कसी जाए। व्यापारियों की सुरक्षा की तरफ प्रशासन ध्यान दे, ना कि सिर्फ चलान काटने का काम करे। क्या ये धरना दे रखा आपने? हाँ जी, ये धरना दे रखा है जी हमें, लेकिन हमारा धरना देने का ये कोई मतलब नहीं है कि ना तो हमने कोई रोड जाम कर रखा। कितना देर धरने पर बैठोगे? हम 2 घंटे बैठे। 2 घंटे ये थे यानी कि मनोज कुमार, भारत किताब घर के मालिक। उन्होंने बताया कि उनकी दुकान से 2 लाख रुपया चोरी हो गया है। चोरों ने सेंध लगाकर शटर तोड़कर उन्होंने गले से 2 लाख रुपये निकाले हैं। और ये सभी दुकानदार यानी कि पुलिस प्रशासन के कार्रवाई से बड़े रोषित हैं। और इनका कहना है कि यहाँ PCR रहती है नहीं रहती है इन्हें नहीं मालूम है, लेकिन यहाँ रहनी चाहिए और इस पर अंकुश लगाएं चोरियों पर। उधर उनका गेट पर जहाँ बताया कि दो दुकानों के बारे में और कहाँ से वापस ही चोर वो तो ये कहते हैं कि मनोज कुमार का बताना है। और ये धरने पर बैठे हैं तो आप रोज प्रकट कर रहे हैं? रोज प्रकट कर रहे हैं जी। हाँ सीखो जी, चोरों का अब हो गया है, हर रोज चोरी होती है यहाँ, हर रोज चोरियाँ होती है। हर गोर है, कोई चोर पकड़ा जाता है तो उसको छोड़ दिया जाता है। कोई भी कार्रवाई नहीं प्रशासन की तरफ से, बिल्कुल प्रशासन ने इतनी गदरता रखी है। जिला पुलिस है जो भी है, अब चोरी के लिए बन गया जी, चोरों का हब बन गया यहाँ जिला प्रशासन। जब से पुलिस जिला बनाया है चोरों का हब बन चुका है ये। हर रोज चोरी होती है, कोई कार्रवाई नहीं होती है। रात में 4-5 चोरी है जी। पे आज भी 3 है, 2 दिन रुक के फिर उससे पहले पटोगे तो वो उस टाइम भी 3-4, हर रोज 5-4 ताले डेली टूटते हैं आसी के अंदर, लेकिन कोई भी प्रशासन की तरफ से कोई कार्रवाई नहीं है। दुकानदारों में बहुत रोष है और ये रोष के चलते हुए ये सारे यहाँ धरने पे भी बैठे हैं। और जो चोरी हुई थी, जो अधिकारी यहाँ आए थे जी, जी। मैंने इनको रोक रखा था, मैं कहा अंदर किसी ने नहीं जाना, ये फिंगरप्रिंट वगैरह नहीं आगे आप। नहीं था मौका। क्या नाम आपका? मेरा नाम बिट्टू है, प्रधान जी का प्रधान। तो मैंने इनको रोका था, मैं अंदर नहीं जाना, पुलिस वाले अधिकारी आएंगे, फिंगरप्रिंट वगैरह लेंगे। अधिकारी आया, गाड़ी में आया, एक जना आया नक्शा बना के अंदर जाके, उसने कोई फिंगरप्रिंट नहीं लिया, कोई कुछ नहीं लिया, अंदर जाके कार्रवाई अपने नक्शा बना के बड़े अंदर। मैंने उनको कहा, मैंने कहा जी कम से कम आपके पास टीम होनी चाहिए। बड़े अधिकारियों से मिले क्या? नहीं नहीं, बड़े अधिकार से नहीं मिले, हम उनसे से बात होती, लेकिन आज अब मैं थाने में जाके आया हूँ, SHO साहब नहीं मिले थे। तो मैंने उसको यही बात कही थी कि आपकी टीम होनी चाहिए बाकायदा, और फिंगरप्रिंट्स ले जाँच अच्छी तरीके करनी चाहिए, लेकिन वो अपनी खाना पसंद करके अपना चले। हमारी एक मांग हो रही
हम दो घंटे से यहाँ पर बैठे हैं, ना तो हमारे से कोई पुलिस वाला मिल जाए, क्या एक SHO की, क्या एक DSP की, या शहर में हमारे यहाँ SP साहब भी है, क्या ये ड्यूटी नहीं लगती? व्यापारी धूम में बैठे हैं, आवाज़ मार रहे हैं, कैसे बैठे हैं? मैं अधिकारी जाकर मिले। और एक सबसे बड़ी शर्म की बात एक हो रहा है, इस बड़सी गेट के थोड़ी सी दूर श्याम बाबा मंदिर में भी बहुत बड़ी चोरी हुई थी, उसके बाद क्या प्रशासन का वो नहीं बनता था कि यहाँ गश्त लगाई जाए या PCR फ्री की जाए? PCR नहीं रहती है यहाँ, कोई PCR नहीं रहती है। एक बार इतना जाम रहता है, इतना जाम रहता है, हमारे जो दुकानदार हैं, दुकानदारों का व्यापार भी ठप हो चुका है इस जाम की वजह से, प्रशासन की तरफ से कोई वो नहीं। अल्टीमेट आप दो घंटे बाद आप धरना उठा देंगे, चाहे कोई पुलिस अधिकारी आए या ना आए? ना पुलिस अधिकारी आएगा नहीं आएगा तो हो सकता हम इसको धरने को आगे बढ़ा भी दें, और हम कई दिनों का भी करते हैं इसको, कि हम मार्केट भी बंद करेंगे अगर अधिकारी नहीं आता तो। कौन सो सकता है शहर में गाफिल के सिवा, नहीं है सलामत अब कोई कातिल के सिवा, ऐसा इन लोगों का कहना है। ये तो एक उर्दू का शेर मैंने वैसे ही पढ़ दिया कि भी यहाँ ना तो कोई यहाँ PCR रहती है, ना कोई पुलिस के गश्त रहती है, ना कोई पुलिस कर्मी यहाँ रहता है। ऐतिहासिक बरसी गेट है यहाँ, श्याम बाबा मंदिर में पिछले दिनों यानी कि लाखों रुपये की चोरी हुई, उनका गेट पे दो दुकानों के ताले टूटे, वहाँ भी यही सुनने को मिला कि उन्होंने कहा कि बैठे हैं धरने पर, पुलिस सामने खड़ी है, बिल्कुल घर सामने यहाँ मुस्तैद खड़ी है पुलिस, आपको नज़र आ रही होगी। तो हम पुलिस साहिबान से पूछते हैं कि ये धरने पर बैठे हैं, मैं नाम पढ़ पाऊँगा आपका, बलबीर सिंह जी बताइए ये कैसे करते हैं? ये रात को चोरी की सूचना मिली थी, मौके पुलिस आई थी, जो कार्रवाई करने पुलिस करने के लिए तैयार है। नहीं, कार्रवाई तो पुलिस करने के लिए तैयार है, इनके ग्रीवेंसेस सुने क्या आपने? बिल्कुल सुनिए जी, रात को इन्होंने सूचना मिली, आज मौके पुलिस आई थी, आपको बता भी दिया मौके पे, पुलिस आई, नक्शा बनाई, फिंगरप्रिंट्स लिए क्या? वो फिंगरप्रिंट रात का टाइम था, अभी ले लेंगे जो कार्रवाई पड़ती है बिल्कुल करेंगे, बिल्कुल करेंगे। हमने अधिकारियों से कहा था जी ये बात कि आप फिंगरप्रिंट्स लो, लेकिन सर आप बताइए फिंगरप्रिंट भी लेंगे जी? लेंगे क्यों लेंगे? फिंगरप्रिंट्स तो पहला आपका होता है, आप ही लोग इजाजत देते हैं कि किसी चीज़ को छुए मत, किसी चीज को हाथ मत लगाएं जब आते हैं, बिल्कुल ठीक है। तो यहाँ आप नक्शा बना के चले गए? नहीं, कार्रवाई करेंगे, जो जो कार्रवाई बिल्कुल कर रहे हैं जी, कार्रवाई करेंगे, कार्रवाई संतुष्ट करें, बिल्कुल संतुष्ट करेंगे। और यहाँ PCR की डिमांड है? PCR भी है, दो तीन PCR है सर, और जो जरूरत के मुताबिक और लगा देंगे, पैदल यहाँ 24 घंटे जाम लगा रहता है, उसके लिए आता है व्यवस्था भी करेंगे, बिल्कुल करेंगे सर। चलो ये अधिकारी जी आ गए, मैं एक बात और कहना चाहूंगा, इधर आ जाओ साहब, आम यहां पर रोड पर खड़े, रोड पर 2 मिनट खड़े रहो, आम जनता को कोई दिक्कत नहीं, आराम से बैठकर प्रदर्शन कर रहे हैं, आ गया अधिकारी। लेकिन पुलिस का एक अधिकारी हमें आके कहता है, बोला ये आराम से क्यों बैठे, सिटी रोड जाम कर दो, मतलब इनका मंत्र मेन मकसद क्या है? जीटी रोड जाम करवा दो हमारे से, अरे हमारे पास धारा लगवा के अंतर कर दो, फालतू समझते हैं जी सर, ऐसी कोई पुलिस के अधिकारी ने ये बात कही है? ऐसी कोई रघुवीर जी ऐसी कोई लूट पास करता है क्या पुलिस? नहीं नहीं। और एक और जी, मेरे पास ASI का फोन आता है, ASI का मेरे पास रिकॉर्डिंग है फोन की, मैं उसकी रिकॉर्डिंग आपके इसके पे भी चलवा देता हूँ। वो हमारे से पूछता है कि जी ये 1.5 लाख रुपए आपने रखे थे बर्तू के, महा जी बोला ये बात ठीक है, कोई चोरी नकली चोरी तो नहीं है यार? मैं बोला मुझे बड़ी दुख की बात है। चलो ये मे भी एक इन्वेस्टिगेशन का हिस्सा हो सकता है, जगवीर जी इनको संतुष्ट कीजिएगा, ये पूछ लिए आपके 1.5 लाख है, 2 लाख है, बार बार पूछ लिए, मतलब ही पब्लिक डीलिंग होती है, ये तो प्रॉपर हो, चलो चोरी कर गया, लेकिन पुलिस का काम है कि उस पर अंकुश लगाना, उसके बाद विक्टिम को सेटिस्फाई करना, लेकिन आप लोग तो बकौल हो जाते हो। विक्टिम को संतुष्ट करेंगे जी, बिल्कुल करेंगे, जो हमारे एफर्ट से वो बिल्कुल करेंगे। लेकिन किसी पुलिस अधिकारी का ये कहना कि जीटी रोड जाम करो, इस बात को आप लोगों का ये मकसद है हम जीटी रोड जाम करते हैं, हमें आप है ना वो धारा लगा के हमें अंतर करवा दो, इस बात का कोई संज्ञान नहीं आप नहीं, अगर ये क्या है गया, ये ठीक क्या गया, गलत क्या गया, मैं आपसे ये क्वेश्चन पूछना चाहता हूँ, अगर किसी पुलिस अधिकारी ने हमें ये बात कही तो वो बात ठीक है या गलत है जी? सुनो मेरी बात, हम आपकी सुरक्षा के लिए हैं, आपके साथ हैं, अगर जो आपके साथ मैं जो सर पूछना चाह रहा हूँ भाई, हमें एक अधिकारी आके कह रहे हैं कि आप जीटी रोड जाम करते हो, वो बात ठीक है, गलत है? आप उसको जानते हो अधिकारी? हाँ जी, यही था आपके, ये खड़े थे सारे खड़े थे जी।